तो वही पहुंचते ही हमने उठा लिया है आम, खाते हैं जैसे ड्यूटी पे लगा दिया। आज फर्स्ट टाइम बोला, बट ये है हमारा छोटा सा सब्सक्राइब। तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो भाई आज है वेडनेसडे का दिन और अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। कल हमारा व्लॉग नहीं आया भाई, क्योंकि कल हमारा व्लॉग इसलिए नहीं आया कि हम अब थोड़ा सोच रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम व्लॉग डालें, क्योंकि जो रिस्पांस है भाई वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है। आप लोग वीडियो देखते जरूर हो, देख के आप ड्रॉप कर देते हो वीडियो को और उसके बाद लाइक और शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो इसलिए हमारी जो वीडियो की रिकमेंडेशन है वो डाउन हो चुकी है भाई, बिल्कुल ही डाउन जा चुकी है। तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा भी, अगर वीडियो रिकमेंड ही नहीं होगी कोई देखेगा ही नहीं, तो दिक्कत यही और की है। अभी आप देख सकते हो लास्ट वीडियो पे बिल्कुल स्लो रिस्पांस आया, 100 व्यू आए हैं। 100 व्यू के लिए आप सोचो पूरा दिन की एक्सरसाइज है भाई, रात को 1 बजे तक एडिटिंग चलती है जब जाके व्लॉग अपलोड होता है, इतनी मेहनत करते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो भाई कैसे बात बनेगी। तो इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को प्रॉपर देखा करो, स्किप मत किया करो, लास्ट तक देखा करो और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करो। अरे बुरा लगता है तो भाई बुरा लिख दो ना, लिख दो कि भाई वीडियो में ये पार्ट पसंद नहीं आया, ये आप इम्प्रूव कर लो, तो इम्प्रूव करेंगे। बट आप स्टार्ट करके छोड़ देते हो ये गलत बात है भाई, डिसलाइक ही कर दिया करो लाइक की बजाय, कुछ तो किया करो ना। तो मतलब रिक्वेस्ट यही करूंगा भाई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो और एंड तक बने रहा करो, बने रहो आज मेरे साथ। अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो भाई आज तो निकलते ही मिल गया है जाम, पता नहीं आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है, हर आदमी एक गाड़ी लेके निकलता है, तो सबका यही हाल है भाई। पैसे की लोग कहते हैं पैसे की कमी है, मेरे को तो लगता है पैसे भर भर के आ रहा है भाई आजकल लोगों के पास। पैदल चलना, बाइक पे चलना, शेयरिंग में चलना, ये तो भाई पुराने जमाने की बात हो गई। और ये भाई मंकी क्या कर रहा है बैठ के, ओ हेलो नमस्ते नमस्ते कर रहा था भाई वो, चलो आप भी ले लेना उसकी नमस्ते। तो लो भाई ऑफिस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएंगे भाई। आज तो हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा लेट, टाइम देख लो 11:15 हो गए हैं, कोई टाइमिंग है भाई ऑफिस आने की, क्या करें भाई ब्लॉगर की लाइफ ऐसी ही होती है। तो फाइनली ऑफिस पहुँच गए भाई और आज तो लेट हो गए, अभी करते हैं आज का काम शुरू और ब्लॉग में एंड तक बने रहे। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और कमेंट जरूर डाल दो कि आज मेरा थोबड़ा कैसा लग रहा है। क्या था भाई लंच टाइम, तो अभी चल पड़े अपने कलीग्स के पास लंच करने के लिए, टिफिन ले लिया मैंने, ऊपर चल के दिखाते हैं। तो फाइनली पहुंच गए भाई अपने डेस्टिनेशन पे और ये हमारे मंसूर साहब मसाले पहुंचे सर, और ये देखो क्रिएटिविटी इनकी हमें तो गजब है। क्या कह रहे थे, पहले सचिन आएगा टिफिन लेके, ओहो फिर पाउजी आएंगे, ओहो ब्रेक आप आवे, ओहो कहते 10 मिनट लेट। देखो आप कितना सुनने को मिलता है हमें 10 मिनट लेट होने के बाद भी, 2 बजे मैसेज आ रहा था ये देखो भाई। तो भाई अभी आ जाओ लिखते, इससे ज़्यादा वीडियो के चक्कर में ज़्यादा लेट करें, खाना खा लेते हैं, नहीं तो सुना सुना के भूख ही मार देंगे। तो भाई बज गए शाम के 6:45, तो जो निकलते हैं ऑफिस से, चलते हैं घर पर, देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। दबा के काम कर लिया, एक वीडियो डाल दिया, हॉट सुमन चली गई थी पहले, तभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और मैं खा रहा हूँ आज मिला। तो भाई आ गए हम अपनी किया सेल्टोस में और अभी चलने की तैयारी है भाई, 7 बजने वाले हैं। घर जाके थोड़ा सा रेस्ट मारेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे और उसके बाद सो जाएंगे भाई, अपना तो यही शेड्यूल है। अब आ रहा है वीकेंड, वीकेंड पे देखते हैं थोड़ा बाहर चलते हैं, बड़े दिनों से हमने कुछ किया नहीं। तो भाई किया सेल्टोस में हो गया है फिर से पंक्चर, क्योंकि पंक्चर भाई इसका ऑलवेज हो जाता है, पता नहीं अभी पिछले हफ्ते लगवाया था, आप गूगल पे में भी देखोगे ना तो भाई हर हफ्ते पंक्चर हो रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है या तो ये बारिश के दिनों की वजह से हो रहा है या आजकल लोग कील ज़्यादा डालने लग गए या कोई हमारी गाड़ी के लिए स्पेशल यार कील डालता है, समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं तो हो गया परेशान, तो हवा बहुत ज़्यादा ही कम हो गया भाई, 21 पे आ गया, तो मुझे लग रहा है कि पंक्चर लगवा लेना चाहिए। तो चलो भाई जहाँ भी रस्ते में पंक्चर वाला मिलता है तो लगवाते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे आज तो। और बाहर का नज़ारा देख लो, बड़ा मस्त सा नज़ारा बाहर लग रहा है भाई, गाड़ी का एसी का ब्लोअर की आवाज़ आ रही होगी बट बाहर का नज़ारा दिखाना जरूरी था, तो इसलिए सोचा कि चलो एक बार वीडियो लाइव कर ली जाए। तो भाई मैंने वीडियो कर लिया ऑन और अभी चल रहे हैं घर की तरफ। आज 7 बजे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, तो गर्मी बहुत ही आज बाहर, तो निकलते हैं अभी, सामने दिख रहे होंगे आपको पहाड़, चलो नज़ारे लेते हुए पहुँचते हैं घर की तरफ। बाहर का देख लो नज़ारा, हम पहुँच गए हैं बंदर घाटी में, यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे बंदर जो कि दिखने वाले हैं। और एक भाई साहब मेरे को लाइट मार के डरा रहे थे, कहते भाई गाड़ी कहाँ लेके आ रहा है, अरे भाई वीडियो बना रहा था मैं, तेरे को क्यों डरा रहा था मैं। तो बंदर घाटी में भाई अभी तक हमें कोई भी बंदर नहीं दिखे हैं, सिर्फ
क्या है जी, ये लाला वाला पीर जी का एक हमें रास्ता जरूर दिखा साइन बोर्ड। भाई साहब कहाँ गजब जगह बना रखा है बंदे ने, यहाँ जंगल देखो खतरनाक वाला जंगल है भाई। इसको हम कहते हैं बंदर घाटी, जो कि है सिटी के अंदर पंचकुला में। तो ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बंदर ही बंदर मिलते हैं। बट आज पता नहीं क्यों भाई इनको पता था, या तो मैं आ रहा हूँ इसलिए, ओहो मिल गए भाई, ये रे बंदर देखो भाई। बंदर घाटी में बंदर ना हो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये देखो ये भाई साहब यहाँ लटक रहे हैं, देखो इतने सारे बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो भाई ये देखो तेरी उस गाड़ी के आगे से गया भाई एकदम खतरनाक तरीके से। तो पहुँच गए भाई अपने ठिकाने पे, अपने सेक्टर में। तो अभी अब जस्ट गाड़ी पार्क कर दें और चलते हैं अंदर। सामने आ गया भाई स्वीट होम स्वीट। तो गाड़ी करते हैं पार्क। पहुँच के देखो घर पे, और देखो इनके बैग ऐसे पड़े हुए हैं, और घर पे तो कोई भी नहीं है, जस्ट मैं ही आया हूँ। तो लाइट कर लेते हैं ऑन, और मेरे को लगता नहीं लाइट ऑन है। तो देखते हैं, भूख सी लगी है, पहले खाने का ढूंढते हैं कुछ, फिर देखते हैं डुबू दामू और बाकी बच्चा पार्टी है कहाँ। तो भाई पहुँचते ही हमने उठा लिया है आम, खाते हैं दशहरी आम। इस टाइम पे तो आम खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है भाई। देखो ये है देसी आम, दशहरी आम, जो बारिशों में आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। तो खाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं। तो ये देखो भाई मस्त वाला आम है, और मस्त मज़े आ रहे हैं खा के भाई। मीठा, क्या मीठा है भाई। रुक गई हुई है एबेकस क्लास, उसको लाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं जैसे घर पहुंचा ड्यूटियां चालू होगी मेरी। रुक गई हुई है एबेकस क्लास, उसको लाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं जैसे घर पहुंचा ड्यूटियां चालू होगी मेरी। आते इसने ना मेरे को ड्यूटी पे लगा दिया। आज फर्स्ट टाइम बोला, वरना काम मेरा ही है। बकवास, झूठी एकदम करके झूठ बोल रही है भाई। वो बाहर खड़ी है ना, जो हमेशा काम पे लगा के रखती है मेरे को। और ये आ गई है दामिया ढुल। हम पहुंचने वाले हैं डुगू के कोचिंग सेंटर पे, जहाँ पे वो बैकेस की क्लासेस ले रही हैं। और ये दोनों लाइक मेरे साथ आ चुके हैं, मैं घर पहुंच चुका हूँ। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, डुगू का फोन भी आ गया है और हम पहुंचने वाले हैं। डुगू की मैडम का फोन आ गया है, नीचे आ जा, हम नीचे ही हैं। तो भाई मेरे, वो रही हमारी डुगू। नहीं, डुगू नहीं है वो, डुगू है। डुगू नहीं है, डुगू है। डुगू की गाड़ी आ जाएगी तब डुगू आएगी। हाँ, डुगू ऐसे नीचे। अरे भाई डुगू कहाँ है हमारी? मास्क लाने गई। तो डुगू कहाँ है भाई? डुगू के जुखाम और खैर। तो डुगू के जुखाम और खैर, डुगू मास्क लगा के गई हुई थी। तो भाई दायरा ढुल वो वहाँ से आ रही है, देखिए वो आ गई दायरा ढुल। हेलो दायरा, हेलो। तो दायरा भाई यहाँ पे पहुंच चुकी है। अरे आज तो मास्क सास्क लगा के गया हुआ था भाई। क्या एसी बंद कर दी, ठंडी लग रही है। तो दायरा का जुकाम हो गया भाई, इसीलिए ये मास्क लगा के गई थी दूसरे बच्चों की केयर करने के लिए। ये कहाँ पे आ गई, क्या लेने जा रही है? साइकिलिंग शॉर्ट लानी है। तो भाई डुगू को चाहिए साइकिलिंग शॉर्ट, और ये जा रहे हैं मार्केट, और ये सामने वाली दुकान से लेके आ रहे हैं। डुगू को भी ले आए हैं घर पे भाई, चलते हैं अभी अंदर करेंगे डिनर। और ये देखो हमारा अमरूद का पेड़। और ये दाम क्या कर रही है यहाँ पे खड़ी हो गए? क्या है जिस पे नंबर लगा उसकी शैडो, और जिस पे नहीं लगा उसकी नहीं है। ओके तो लो भाई यहाँ पे अपनी रोटी, वहाँ पे अपना फेवरेट सीरियल। तो दाल रोटी खाएंगे आज हम, दाल रोटी। तो गाइस ये है हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर, ये जो है हमारी सारी वीडियो देखते हो है ना। तो आप देखना, ये भी आएंगे कल हमारे व्लॉग में। तो ये नए मिले हैं हमें अभी, तो चलो हेलो कर दो सबको। हेलो भाई, खाना वाना खा लिया था, और बाहर शहर करने के लिए वॉक करने के लिए आए थे। तो भाई और साथ में सुमन को लेना था खट्टा, तो अब खट्टा लेने गए थे हम, और नीचे बहुत सारा रेत है, दिख नहीं रहा कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं भाई घर की तरफ, हमारे घर से थोड़ी सी दूर पड़ता है जो मार्केट है लोकल सेक्टर की, तो वहाँ से ले लिया और अभी जा रहे हैं हम। और यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, ये देखो भाई कितना अंधेरा। सुमन मेंढक कैसे कर रहे हैं? तो भाई यहाँ पे ना देखो मेंढक कैसे कर रहे हैं, पर और यहाँ पे लाइट आ गई, वहाँ पे पूरा अंधेरा था उस साइड में, और यहाँ पे पूरा जंगल वाली फीलिंग आती है। कुछ एरिया हमारे सेक्टर का खाली पड़ा है ना, इसलिए जंगल में आ गया। तो भाई सामने हमारा है घर, अभी बस 2 मीटर पहुँच जाएंगे। ये कौन आया भाई, ये वॉक करने के लिए कौन आया है? ये आया है हमारा डुगड़ बाबू। तो डुगू ने बास्केटबॉल ज्वाइन कर ली क्या? कहाँ पे किया? स्कूल में। कब से जाया करेगा? कल से। तो भाई डुगू ने कर लिया बास्केटबॉल ज्वाइन, कल से स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाया करेगी। ये अपनी हाइट बढ़ाना चाहती है, तो इसने मस्त बास्केटबॉल ज्वाइन की है। दाम में कहाँ रहेगी?
तो अभी ये आ गया भाई वॉक करने के लिए, तो अभी हम करते हैं वॉक। हमारे आते ही लाइट हो गई है बंद, देखो कैसे वो आँख मार रही है, लोगों तक आँख मार रही है वो लाइट, आँख मार रही है, आँख मारे और लाइट आँख मारे। अभी यहाँ पे ना कुछ ना वो वेस्ट होता है ना सब्जियों का, वो डाल रखा था कॉर्नर पे, तो मैं गालियाँ दे रहा था, मैं कह ऐसे पता नहीं लोग अनपढ़ लोग हैं सेक्टरों में आ जाते हैं ये वो, मतलब ऐसे लोगों को तो गांव में भी नहीं होना चाहिए, झुग्गियों में रहना चाहिए। तो बाद में ये कहती मैं ही डाल के गई थी तो मैं इतनी गालियाँ निकाल रहा था ना, आगे कहती मैंने ही डाला। तेरे को लगी मेरे को थोड़ी लगी, खुद को क्यों लगी? नहीं नहीं एक क्यों बात है, कोई एक बात। तो भाई सबक यही है कि सेक्टर में ऐसे साइड में नहीं डालना चाहिए, ठीक, उसको डस्टबिन में डालो। या नहीं नहीं अगर कोई पशु के लिए कुछ रखा भी है ना तो जब आ जाए तब खिला के जाओ, ऐसे ये रोड पे डाल खा इसने, देखो भाई ऐसे करके गई थी, ऐसे नहीं गलत चीज भाई, कमेंट करके बताना ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई पहुंच गया अपने कमरे में और अभी इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देख लिया तो लाइक करे भी ना मत जाना भाई, क्योंकि गर्मी तो बहुत सारी और गई, एसी चला लूँ मैं। और जिसने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया कमेंट कर दो भाई, और एंड तक आते हो तो कमेंट जरूर लिख दिया करो, अच्छा बुरा जैसा भी लिखने लिख दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चाहे नेगेटिव लिखा करो, उससे नेक्स्ट टाइम से हम इम्प्रूव तो कर पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, खाते पीते रहो। वीकेंड आ गया तो कहीं बाहर चलने का प्लान करेंगे, तो बने रहो हमारे चैनल पे और इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए।